धीरे धीरे नीचे ऊपर अभी पैरों पे ओम 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 कमांड जो ओल्ड एज वाले नहीं कर सकते, जो वीक स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, ओम 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 ओम। इससे सुषुम्न नाड़ियां ओपन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होता, मेडिटेशन अच्छा लगता है। ओम 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 पावर ओम 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 दोनों हाथ ऊपर जो बीच में नहीं कर सकते, जो होल्ड लेने वाले नहीं कर सकते, दोनों वेरी गुड। दिस राउंड बच्चे उधर उधर देख रहे हैं, थोड़ा ट्राई करना, बिल्ड अभ्यास से इजी होता मेडिटेशन, जो अभ्यास नहीं करते हैं तो जीवन में सक्सेस नहीं होता। मेरे जीओ ट्रैवल टाइम यू विल सक्सेस पूरा किताब है। कब खत्म होगा? अगर थोड़ा 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 करेंगे तो खत्म होता है, इसलिए हम पूरे साल भर में हम उसको खत्म करना है। तो अभ्यास करने का तरीका यह है कि हम सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठने से अभ्यास अच्छा होता है, एक मेरा खुद का अनुभव है। तो इसलिए हम दसवीं कक्षा को हम पढ़ाते थे, तो दसवीं कक्षा के बच्चों को मैं 100 किलोमीटर से आना जाना करता हूँ तो भी मोबाइल से उनको उठाता था। लड़कियाँ थी 25-26 और 30-40 बच्चे लड़के थे, तो उनको हम हर दिन मोबाइल से सुबह 3:30 बजे से 4 बजे तक उठाते थे। और वो अभी बच्चों का अगर हाल देखे, जो 4, 5, 6, 10 साल पहले ऐसा करते थे, वो अभी बहुत अच्छे स्टेज पर है, अच्छा सफलता हासिल करते हुए वो आगे बढ़े हैं, ये हमारा अनुभव है। इसलिए तुम सुबह जल्दी उठना और अपना पहला काम ये करना कि पहले पानी पीना। सुबह उठते उठते अगर पहला पानी, मैं खुद करता हूँ कि आपको बता रहा हूँ, पहला पानी पीना, उठते उठते अगर पहला एक गिलास पानी पीते हैं तो पानी में इतना पावर है तो आपको पता तब चलेगा। अगर ऐसा हम रेगुलर करते हैं तो हमारा जो तो वेट है वो तो कंट्रोल में रहेगा, और जो भी हमारी दिनचर्या है वही हमारा समझ और दिन भर का जो है वो अच्छी तरह काम करेगा। तो ये हमें करना है, सुबह 5 बजे उठना है, अभ्यास करना है और माता पिता को पैर छू के आना है। हम 10वीं कक्षा के लड़कों को बोलते थे कि माता पिता का पैर छू के आना, ये 10-20 साल से हम बोल रहे हैं। जब लड़कियों को पूछा तो लड़कियां बोली सर हमें मंदिर में जाके दर्शन करके आओ, वो तो हम 10 बार आए थे, लेकिन माता पिता का पैर छू के आना बोले तो ये इतना सुलभ नहीं है, तो कठिन बात है। इसलिए हमें अभी अगर अभी आचरण करते हैं तो वह हमें आसान हो जाता है, अगर बड़े होकर हम करने का प्रयास करते तो थोड़े कठिनाई प्राप्त होती है। ठीक है, बहुत देर हो चुकी है, मुझे ज़्यादा बोलना था लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं। तो मैं प्राणायाम और योगासन दोनों में अलग अलग है, प्राणायाम और योगासन, आपको योगासन के बारे में नहीं बताया है, तो अगर इसके बाद को मौका आएगा तो अध्यापकों के साथ आपको भी उसका फायदा होगा। मैं अभी तक 20-25 साल से योगा और प्राणायाम करता हूँ, इसलिए मुझे कोई गोली नहीं है, आलस्य नहीं है, और जो
जो भी हम काम करते हैं हमारा, तो हम रेगुलर करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, यानी काम नहीं तो भी हम 5 बजे 4 बजे उठते हैं। तो पहला एक ध्यान से सुनना कि सुबह जल्दी उठना, अपना खुद का काम खुद करना, अपने जो जूते होते हैं वह लगा कतार में लगाना, घर में भी और स्कूल में भी, ये भी ध्यान रखना। और अपने नाखून बाल और जो भी है और हमारे खुद के काम खुद करेंगे, ये हम ध्यान में रखते हुए ये काम ध्यान में रखो कि सुबह जल्दी 5 बजे उठना और खुद के काम खुद करना, माता पिता के ऊपर बोझ नहीं डालना, क्योंकि हम अब कर सकते हैं। तो इसलिए ये 2-4 बातें आप ध्यान में रखना। देर हो चुकी है, धूप लग रही है।